तो आज के इस वीडियो में मैं आपको जितने भी बुक में फॉर्मूले हैं उन सभी फॉर्मूला का कलेक्शन करके इस एक वीडियो में मैं आपको देने वाला हूँ और साथ ही साथ मैं आपको बता दूँ कि सारे के सारे जो फॉर्मूला है इसके मैं फ़ोटो क्लिक किया हूँ फ़ोटो अगर आपको चाहिए तो आपको अपना व्हाट्सअप नंबर नीचे कमेंट करना है या फिर मैं इस वीडियो के बीच में कहीं पर अपना व्हाट्सअप नंबर बोलूंगा तो वीडियो अगर आप कोई अंत तक देखता है तो उसे व्हाट्सएप नंबर मेरा व्हाट्सअप नंबर उसे मिल जाएगा तो चलिए हम इसको शुरू करते हैं ऐसे तो आप कहिएगा कि सिक्सटी वन से जी हाँ दोस्तों सिक्सटी वन से पहले का जो फार्मूला है उतना ज़्यादा जरूरी नहीं है अगर आप लोग कहिएगा तो उसका भी मैं आपको बना करके दे दूंगा लेकिन मैं सिक्सटी वन से जो फार्मूला लिखाऊँ वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है कई बार एग्जाम में से इसी फार्मूले में से कई बार क्वेश्चन टकराए हुए हैं तो आपको भी यही फार्मूला याद करना है आपको देखना है आप चाहे तो इसे स्क्रीन भी कर सकते हैं चले सिक्सटी वन में हम यहां पर देख लेते हैं यहां पर हमें क्या करना है फॉर्मूला लेना है तो देखिए सिक्सटी वन में कह रहा है क्या कि यदि ए ठीक है और बी आभा संख्या है तो ए और बी का लॉसर क्या होगा ए भी होगा तो ये आपको फॉर्मूला है ये फॉर्मूला आपको याद रखना है ताकि फॉर्मूला जब याद रहेगा तो आपको एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसे आप कंप्लीट कर सकते हैं ठीक है तो कह क्या रहा है कि यदि क्या कह रहा है यदि ए और बी आभा संख्याएं हैं तो ए और बी का लसा क्या हो जाएगा ए बी हो जाएगा ठीक है दूसरे नंबर में सबसे छोटी आभा संख्या जान लीजिए कि इसमें मैं आपको 10, 20 या 30 फॉर्मूले नहीं देने वाला हूँ लगभग मैं आपको 200 से ऊपर फॉर्मूला देने वाला हूँ लगभग 300 के आसपास पास फॉर्मूला है तो आप यहाँ से अंदाजा लगा सकते हैं सारे के सारे फॉर्मूला हम आपको इसी वीडियो में देने वाले सबसे छोटी भाज संख्या और सबसे छोटी आभा संख्या का मौसम क्या होता है दो होता है सबसे छोटी भाज संख्या और सबसे छोटी आभा संख्या का मौसम क्या होगा

अब इसको लिखते हैं तीन बटे दस वो गलत हो जाएगा तीन बटे दस इसका नहीं होगा ठीक है चलिए आगे हम आपको बताते जीरो जीरो और पचास होगी ठीक हो हो है यदि p तथा q दो आभा संख्याएं हैं तो उनका मौसम क्या होगा तो p तथा q दो आभा संख्याए हैं तो उनका मौसम हो जाएगा एक कितना हो जाएगा उसका मौसम हो जाएगा एक सबसे छोटी अभाज्य और सबसे छोटी भाज्य संख्या का गुणनफल आठ होगा सबसे छोटी भाज्य संख्या और सबसे छोटी अभाज्य संख्या का गुणनफल क्या होगा तो एट होगा तो सबसे छोटी भाज्य संख्या आप जानते ही हैं वैसे संख्या जो एक और अपने आप के अलावा किसी दूसरे संख्या से कटे तो सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या हो जाएगा वो जाएगा चार ठीक है और सबसे छोटी अभाज संख्या हो जाएगा दू गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा आठ ठीक है चलिए हम यहां पर देख लेते हैं किसी पूर्णांक एम के लिए किसी पूर्णांक एम के लिए सम संख्या का रूप होता है किसी पूर्णांक एम, एम के लिए सम संख्या का रूप क्या होता है 2m होता है किसी पूर्णांक एम के लिए सम संख्या का रूप क्या होता है 2m होता है चलिए थोड़ा लंबा कर देते ताकि आप लोगों को थोड़ा बढ़िया से बुझाए ठीक है इसको हम इधर उठा कर ले जाते हैं ठीक है चलिए तो किसी पूर्णांक एम के लिए सम संख्या का रूप क्या होगा तो हो जाएगा टू एम ठीक है अब हम आगे देखते हैं दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या हो सकती है तो अनंत आप लोग इस वीडियो को बस शुरू से अंत तक देख लीजिए आपका पूरा क्लियर हो जाएगा आपका ऑब्जेक्टिव क्लियर हो जाएगा तो दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या हो सकती है अनंत ठीक है दो या दो से अधिक आभा संख्याओं का मौसम कितना होगा तो एक होगा उसके बाद है दो क्रमिक संख्याओं का एच कितना होगा दो होगा पाई एक परिमेश अपरिमेय संख्या है जबकि बाइस बटे साथ क्या है परिमेय संख्या है अगर आपसे कोई पूछेगा कि पाई क्या है तो पाई एक अपरिमेय संख्या है लेकिन उसी का मान होता है बाईस बटे साथ ये परिमेय संख्या होता है भाज ए देखिए भाज ए और भाजक बी के लिए ए बराबर बीक्यू प्लस आर में आर होता है देखिए ये ऑब्जेक्टिव में पूछा हुआ है कि भाज ए और भाजक बी के लिए ए बराबर बीक्यू प्लस आर में आर होता है क्या जीरो लेस देन इक्वल टू आर लेस देन बी जीरोस देन इक्वल टू आर लेस देन बी इसे कैसे लिखेंगे तो जीरो टू आर और लेस देन बी यही होता है आपका ठीक है चलिए आगे देख लेते हैं चौथा नंबर एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल हमेशा अपरिमेय होता है एक परिमेय संख्या ले लीजिए और एक अपरिमेय संख्या ले लीजिए दोनों का गुणनफल करेंगे तो हमेशा अपरिमेय होता है यदि एन एक प्राकृतिक संख्या है तब रूट एन बराबर रूट एन बराबर कभी प्रकृत संख्या और कभी अपरिमेय संख्या होगा यदि एन एक प्राकृतिक संख्या है आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछेगा यदि एन एक प्राकृतिक संख्या है तब रूट एन बराबर क्या होगा तो रूट एन बराबर प्राकृतिक संख्या भी आ सकता है कभी कभी मान लीजिए रूट एन तो रूट की जगह हम क्या करें मान लीजिए कि चार रखें तो चार बराबर इसका क्या आ जाएगा दो आ जाएगा तो दो क्या है प्राकृतिक संख्या है अब मान लीजिए कि कभी कभी हम रूट की जगह तीन रख दिए तो तीन का रूट निकलेगा नहीं ना निकलेगा तो ये अपर में होगा तो यही कह रहा है कि कभी जो है वह प्राकृतिक संख्या निकल सकता है कभी अपर में संख्या निकल सकता है यदि एक्स के पावर एन प्लस वन का एक गुणांक एक गुणांक एक गुणांक एक्स प्लस वन है यहाँ पर गुणांक होना चाहिए एक गुणांक एक्स प्लस वन है तो एन जो है निश्चित रूप से एक विषम पूर्णांक होगा ठीक है तो एन क्या होगा निश्चित रूप से एक विषम पूर्णांक होगा आप लोग सोचते हुए कि राजू टीचिंग सेंटर मतलब मेरा कोचिंग चलता है उसका नाम है राजू टीचिंग सेंटर अब मैं अपने कोचिंग के बच्चों को यही फॉर्मूला देता हूं एक रेखा पर प्रत्येक बिंदु एक वास्तविक संख्या को प्रदर्शित करता है एक रेखा होता है उस रेखा पर प्रत्येक बिंदु जो होता है एक वास्तविक संख्या को प्रदर्शित करता है आपसे ऑब्जेक्टिव पूछेगा निम्नलिखित में से रेखा की रेखा जो होता है प्रत्येक बिंदु पर किसको मतलब प्रदर्शित करता है तो वास्तविक संख्या को प्रदर्शित करता है थ्री प्लस रूट थ्री और थ्री माइनस रूट थ्री परमेय संख्या है कैसे बी स्क्वायर देखिए कह कह रहा है कि एक परिमेय संख्या है तो ए स्क्वायर मतलब तीन का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा नौ तो मतलब ठीक है और रूट थ्री का स्क्वायर करेंगे तो रूट थ्री का स्क्वायर हो जाएगा तीन नौ में से तीन गया तो कितना बच गया छाओ छ तो इसका मतलब कह रहा है कि थ्री प्लस रूट थ्री और थ्री माइनस रूट थ्री एक परिमेय संख्या है सभी वास्तविक संख्याएं परिमेय नहीं होता है सभी वास्तविक संख्याएं परिमेय नहीं होता है मतलब आप जानते ही हैं कि सभी वास्तविक संख्या परिमेय नहीं होता है। कुछ अपरिमेय भी होता है कुछ मतलब प्राकृतिक संख्या भी हो सकता है कुछ अलग अलग होता है तो सभी वास्तविक संख्या माने रूट थ्री तो परिमेय तो होगा ही नहीं करेगा अपरिमेय हो जाएगा दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है एच सी एफ गुण एल सी एम दो संख्याओं का अगर हमको गुणनफल निकालना है तो एच सी एफ का और एलसीएम -E को गुना कर देंगे तो दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है एच सी एफ गुण एल सी एम दिघात बहुपत के सुनकों की संख्या क्या होता है तो द्विघात बहुपद जब रहेगा तो उसकी सुनकों की संख्या दो होता है ठीक है दुघात बहुपद के सुनकों की संख्या दो एक घात वाला बहुपद रैखिक बहुपद कहलाता है एक घात जिसका पावर एक होता है उसका वो उस घात के बहुपद को रैखिक बहुपद कहते हैं दो घात वाला बहुपद द्विघात बहुपद कहलाता है दो घात वाला बहुपद द्विघात बहुपद कहलाता है तीन घात वाला बहुपद त्रिघात बहुपद कहलाता है तीन घात वाला बहुपद त्रिघात बहुपद कहलाता है यदि बहुपद ए एक्स माइनस बी के शून्य एक दूसरे के व्युत्क्रम हो तो बी बराबर क्या होगा तब बी बराबर माइनस वन होगा यदि बहुपद एक्स स्क्वायर ए एक्स माइनस बी के शून्यक बराबर किंतु विपरीत हो तब ए बराबर जीरो होगा क्या कह रहा है यदि बहुपद एक्स स्क्वायर ए एक्स माइनस बी के शून्य जो है बराबर होना चाहिए किंतु विपरीत हो किंतु विपरीत हो तब ए बराबर जीरो दिघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस टू के शून्य क्या होगा तो द्विघात बहुपद पद एक्स स्क्वायर माइनस टू के शून्य कैसे निकालेंगे तो मान लीजिए कि एक्स स्क्वायर है एक्स स्क्वायर माइनस टू बराबर हम क्या करेंगे शून्य निकालना तो जीरो बराबर क्या हो जाएगा एक्स बराबर हो जाएगा टू एक्स बराबर क्या हो जाएगा टू तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा ये स्क्वायर है उधर चल तो जाएगा तो कन्वर्ट क्या हो जाएगा रूट में तो रूट का रूट का मान क्या होता है एक होता है एक होता होता है है प्लस में और माइनस में इस तरह से द्विघात बहुपद के शून्य क्या हो जाएगा माइनस रूट टू और एक हो जाएगा प्लस रूट टू चलिए अगले हम देखते हैं अगले क्वेश्चन को अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक रैखिक बहु एक रैखिक समीकरण का घात एक होता है एक रैखिक समीकरण का घात एक होता है दो रैखिक समीकरणों के अलेख प्रति रेखाएं हैं तब रैखिक समीकरण युग्म बराबर एक हल होगा है कि मतलब हो। मतलब मतलब तब तब युग्म का एक हल होगा तो इसमें क्या हो जाएगा तब हल पूछेगा तो केस में पूछेंगे हल जो हो जाएगा वह एक होगा क्या होगा एक होगा दो रैखिक समीकरणों के देखिए यहां पर कह रहा है कि दो रैखिक समीकरणों के आलेख समांतर रेखाएं हैं तब रैखिक समीकरण युग्म का कोई हल नहीं होता मान लीजिए कि यहाँ पर हम ग्राफ खींचे यहाँ पर ये कर दिए मान लीजिए कि यहाँ से मेरा ग्राफ ऐसे जा रहा है और इधर का ग्राफ ऐसे जा रहा है तो समांतर हो गया या फिर हम ग्राफ खींचे हुए ऐसे और एक ग्राफ मेरा ऐसे जा रहा है एक ग्राफ मेरा ऐसे जा रहा है तो इसको समांतर कहते हैं तो जब रैखिक जब रैखिक समीकरणों के आलेख जो था समांतर रेखाएं हैं तब रैखिक समीकरण युग्म का कोई हल नहीं होता क्योंकि कटवे नहीं करेगा नहीं कटेगा तो नहीं हल होगा दो चर एक्स वाई में रैखिक समीकरण ए एक्स प्लस बीवाई प्लस सी बराबर जीरो के कितने अधिकतम हल संभव है तो कह रहा है कि दो चर है एक्स वाई एक्स वाई में रैखिक समीकरण है ए एक्स प्लस बीवाई प्लस सी बराबर जीरो के कितने अधिकतम हल संभव है तो कितने अधिकतम हल संभव है तो इसमें अनगिनत हल संभव हो सकता है ठीक है तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या हो जाएगा अनगिनत यदि रैखिक समीकरण का युग्म असंगत है यदि रैखिक समीकरण का युग्म असंगत है तो उसे निरूपित करने वाली रेखाएं समांतर होती है क्या कह रहा है यदि रैखिक समीकरण का युग्म जो है असंगत है मतलब संगत नहीं है तो उसे निरूपित करने वाली जो रेखाएं होगी वो क्या हो जाएगी इसी तरह तो से समांतर होगी यदि रैखिक समीकरणों के आलेख एक बिंदु पर काटे तो समीकरण निकाय अवरोधी होता है ठीक है यदि रैखिक समीकरणों के आलेख जो होता है एक बिंदु पर काटे तो समीकरण निकाय अवरोधी होता है अविरोधी देखिए अगर आप ये वीडियो अंत तक देखते हैं तो मैं आपको बीच में अपना व्हाट्सअप नंबर दूंगा आप अपने व्हाट्सअप नंबर से मेरे व्हाट्सअप नंबर पर कुछ लिख करके भेजिएगा तो ये सारे के सारे फोटो आपको जो है अपने व्हाट्सअप पर मिल जाएगा तो वीडियो अंत तक देखिए मैं आपको बीच में अपना व्हाट्सएप नंबर कहीं ना कहीं दूंगा लेकिन कहाँ पर दूंगा ये मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि आप वीडियो कम से कम देख लीजिएगा तो आपका ऑब्जेक्टिव तो क्लियर हो जाएगा ना आपको लगता है कि मैं बहुत सारे फिल्में देखता हूँ अलग अलग प्रकार की देखता हूं मोबाइल में लेकिन ये वीडियो आपके काम के लिए आपके नॉलेज के लिए आपके एग्जाम में अच्छे नंबर प्राप्त करना कराने के लिए तो इस वीडियो को आप अंत तक देखिए चलिए जब दो चर वाले समीकरणों का आलेख संपाति हो तब उसका हल अनगिनत होगा जब दो चर वाले समीकरणों का आलेख संपाति हो तब उसका हल क्या हो जाएगा अनगिनत हो जाता दो चर वाला है आलेख अब संपाति है तो संपाति है तो उसका हल क्या हो जाएगा अनगिनत हो जाएगा ठीक है विरोधी समीकरण युग्म के कितने हल होते हैं

समीकरण एक्स प्लस वाई बराबर छो में अनगिनत हल होगा क्यों क्योंकि वाई के जगह एक रखेंगे तो वाई के जगह दू रखेंगे यदि इकाई का अंक जो है इकाई का अंक तथा दहाई का अंक वाई है तो दो अंकों वाली संख्या क्या हो जाएगा दस वाई प्लस एक्स हो जाएगा यदि इकाई का अंक जो है यदि इकाई का अंक क्या है एक्स है ठीक है और दहाई का अंक है तो संख्या क्या हो जाएगा संख्या हो जाएगा दस वाई प्लस एक्स दस वाई प्लस एक्स चलिए अगला देख लेते हैं कि दो चर में दो एक घातीय समीकरणों के ग्राफ यदि प्रतिचेदी रेखाएं हो तो हलो की संख्या क्या हो जाएगा तो दो चर में दो एक घातीय समीकरणों के ग्राफ यदि प्रतिच्छेदी रेखाएं हो तो हलो की संख्या बराबर एक होगा हलों की संख्या एक हल होगा यदि दो चर में दो रैखिक समीकरणों के हल अनंत है यदि दो चर में दो रैखिक समीकरणों के हल अनंत हो तो उसका आलेख बराबर दो संपाती रेखाएं होगा उसका हलेख आलेख कैसा होगा दो संपाती रेखाएं होगा यदि एक्स बराबर रूट अंडर सेवन प्लस फोर फिर उसके बाद रूट थ्री है तो एक्स प्लस वन बाई एक्स बराबर क्या होगा फोर होगा कैसे तो आप देखिए कि एक्स बराबर इतना इतना दिया हुआ है ठीक है एक्स बराबर कितना दिया हुआ है कितना दिया हुआ था एक, एक इतना रखेंगे एक वन इसका एक एक्स तो सेवन है और इसको करेंगे तो फोर है इसका हम क्या करें रूट थ्री है तो सेवन रूट से रूट काटेंगे ठीक है रूट से रूट को काटेंगे इसको बटा पर के जोर करेंगे तो ये आपका लैंग्वेज थोड़ा मतलब बनेगा थोड़ा लंबा प्रोसेस लेकिन इसका आंसर आप याद रखिए तो इसका आंसर हो जाएगा चार मतलब इस तरह के क्वेश्चन पर जो बिचला मान रहता है वो ज्यादातर केस में आंसर आता है मतलब इसमें चार रूट थ्री है तो चार आएगा पांच रूट थ्री रहेगा तो पांच आएगा थ्री है बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी बराबर जीरो होगा दीघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स माइनस सी बराबर जीरो के मूल वास्तविक और बराबर होने की शर्त क्या है बी स्क्वायर माइनस फोर बराबर जीरो होगा तो बराबर होने की शर्त हो जाएगा वास्तविक मूल होने की शर्त हो जाएगा यदि दुखात समीकरण बी माइनस सी एक्स b, -B बराबर जो है यहां पर नहीं दिया हुआ है लेकिन मैं आपको बता दू कि बराबर में जीरो दिया हुआ है ठीक है चलिए हम इसको इधर घी चलाते हैं तो इसमें क्या हो जाएगा बराबर में जीरो तो मूल जो था समान हो ए प्लस सी बराबर टू भी होगा ये तरह से क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव के रूप में आप याद कर लीजिए ठीक है जब एपी के प्रथम पद तथा मतलब D जो है तीन हो तो एपी के तीन पद क्या होगा तो एपी के तीन पद पहला होगा दो में तीन जोड़ेंगे तो पांच पांच में तीन जोड़ेंगे तो आठ इस तरह के क्वेश्चन में आप बहुत इजी तरह से लिख जाते मान लीजिए कि एपी का प्रथम पद दू है और सर्वांतर मतलब डी तीन है तो पहला हो गया दू दू में तीन जोड़ेंगे तो पांच पांच में तीन जोड़ेंगे तो आठ अगर यहाँ पर दो है ये एपी का प्रथम पद पर्था। दो है इसका चार रहता था पहला होता दो में चार जोड़ते तो छः छः में चार जोड़ते तो दस इस तरह से हमारा एपी का पद निकलते चलता यदि किसी एपी का सामान्य पद थ्री एन प्लस फाइव है तो इसका सर्वंतर थ्री होगा ठीक है यदि किसी एपी का सामान्य पद थ्री एन प्लस फाइव है तो इसका सर्वंतर मतलब डी कितना निकलेगा वो निकलेगा तीन माइनस दस माइनस छ माइनस दो दू डैश डैस डैस ए में है कैसे ए पी में है तो आप घटा करके देख लीजिएगा कि डी का मान अगर एक जैसा है तो ए पी में है तो मान लीजिए कि माइनस दो में से हमको सेकेंड में से घटाना है तो दो में से घटाएंगे दो में से माइनस तो दू को घटाएंगे तो दो में से माइनस दो मतलब क्या होता है कि सेकेंड बी माइनस है बी माइनस ए ठीक है तो दो में से मान लीजिए कि लास्ट वाला है चाहे इसमें से इसको घटाइए या इसमें से इसको घटाइए या इसमें से इसको घटाइए तो आपको बतवा उतना ही पड़ेगा तो मान लीजिए दो में से माइनस दो को घटाते हैं तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा मतलब चार होगा उसी तरह से माइनस छो में से माइनस दस घटाएंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा दस में तो चार हो जाएगा तो मतलब ये एपी में है जीरो और पचास के बीच की विषम संख्याओं का योगफल क्या हो जाएगा तो जीरो से लेकर के पचास के बीच जितनी भी विषम संख्या है सबका योगफल निकालेंगे तो छो से पच्चीस आएगा आप याद कर लीजिए जीरो से लेकर के पचास के बीच विषम संख्याओं का योगफल कितना हो जाएगा छ से पच्चीस हो जाएगा प्रथम दू से प्राकृत संख्याओं का योग प्रथम दू सकृत संख्या हो, हो, हो जाएगा हो, संख्या हो हो, बीस हजार एक सौ बीस हजार एक सौ प्रथम दू सौ प्रकृत संख्या का योग हजार एक यदि एपी का प्रथम पद ए और पदांतर डी हो तो पद ए प्लस एन माइनस इंटू डी होगा एनवा पद क्या होगा ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी यदि पी प्लस वन टू पी प्लस वन फोर पी माइनस वन एपी में है तो पी का मान क्या होगा तो पी का मान हो जाएगा टू वो कैसे देखिए पी प्लस वन

तो इसमें एन इंटू एन प्लस वन एन इंटू एन प्लस वन बाई टू हो जाता है रूट टू रूट एट रूट एटीन रूट थर्टी टू डैश डी में है तो डैश डैश ए पी में क्या हो जाए A.P. में कैसे है? तो रूट एट में से रूट टू को घटाओ ठीक है कितना आएगा रूट एटीन में से एट को घटाओ तो इसमें कितना आता है रूट फर्टीन में से इतना घटाओ तो रूट एट में से देखिए रूट एट का मान कितना हो जाता है टू रूट टू होता है ठीक है एट का वर्गमूल निकालेंगे तो टू रूट टू इसमें से रूट टू को हम क्या करेंगे घटाएंगे तो दो गो रूट टू में से रूट जाएगा तो कितना बचेगा ए रूट टू बचेगा ठीक है अब देख लीजिए हम इसको घटाते हैं रूट एटीन में से अठारह को घटाते हैं तो रूट एटीन का मान, मान क्या हो जाएगा दू दूना तीन दूना छीन दू न छ थ्री रूट कितना हो जाता है थ्री रूट टू होता है कितना होता है थ्री रूट टू अठारह का बर्गमूल निकालिएगा तो कितना हो जाएगा तीन तीन नौ दो नटा थ्री रूट टू और आठ के कितना है दो रूट टू तो थ्री रूट टू में से दो रूट दो घटाएंगे तो कितना बचेगा एक रूट बचेगा तो रूट टू रूट एट रूट एटीन रूट थर्टी टू ये एपी में है ये कई तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं इसी तरह के दो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाओं का अनुपात चार अनुपात नौ है तब इनके उनके क्षेत्रफलों का अनुपात सोलह अनुपात एक है इस असुरत हमको चौदह में जब हम एग्जाम दिए थे तो उस समय भी पूछे हुआ था और अभी भी मतलब हर साल एग्जाम लगभग पूछता है कि दो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाओं का अनुपात चार अनुपात नौ है तब उनके क्षेत्रफलों का अनुपात कितना होगा तो चार अनुपात नौ है तो उसका स्क्वायर कर दीजिए तो क्षेत्रफलों का अनुपात का मतलब चार का हो जाएगा सोलह नौ का इक्यासी सभी संभाव त्रिभुज समरूप होते हैं सभी संभाव त्रिभुज क्या होते हैं समरूप होते हैं दो समकोणिक त्रिभुजों में उनकी संगत भुजाओं का अनुपात सदैव समान रहता है किसने कहा दो समकोनिक त्रिभुजों में उनकी संगत भुजाओं का अनुपात सदैव समान रहता है किसने कहा तो थेल ने कहा कि दो समकोनिक त्रिभुज में उनकी जो संगत भुजा होगी वो संगत भुजाओं का अनुपात सदैव समान होता है समान सदैव समान रहता है वो जो है थेल ने कहा एक सम्भान त्रिभुज ए की एक भुजा बारह सेंटीमीटर है तो इसकी ऊंचाई क्या हो जाएगा एक सम्बाह त्रिभुज ए की एक भुजा बारह सेंटीमीटर है इसकी ऊंचाई हो जाएगा सिक्स रूट थ्री सेंटीमीटर फॉर्मूला पर बैठाइएगा आपको निकल कर आ जाएगा ये था दोंगत अनुपात चार का अनुपात है तो उनके, पर, उनके परिमापों का अनुपात क्या हो जाएगा तीन अनुपात होगा दो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाओं में क्या कह रहा है कि दो गो समूप त्रिभुज तो दो समरूप त्रिभुजों की जो संगत भुजा है वो संगत भुजाओं में जो संगत भुजाओं में थ्री अनुपात फोर का अनुपात है ठीक है तो उनके परिमापों का अनुपात क्या हो जाएगा थ्री अनुपात फोर ही होगा ठीक है अब देख लेते हैं त्रिभुज डी ई एफ तथा त्रिभुज पी क्यू आर में दिया है कि एंगल डी बराबर एंगल क्यू तथा तो एंगल आर बराबर एंगल ई e, तो एंगल एफ बराबर एंगल पी होगा ठीक है क्या है तो डी बराबर क्या हो जाएगा डी बराबर हो जाएगा क्यू ठीक है उसके बाद कह रहा है कि आर बराबर जो जाएगा e, e हो जाएगा ई आर बराबर ई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा एफ बराबर लास्ट में कथी बचा पी तो पी हो जाएगा पाइथागोरस प्रमेय का संबंध किससे है तो समकोण त्रिभुज से पाइथागोरस प्रमेय का संबंध समकोण त्रिभुज से यदि किसी समदेवाऊ त्रिभुज का आधार बी और बराबर भुजा ए हो तो क्षेत्र का तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा तो यदि किसी समदेवाओं त्रिभुज का आधार जो है बी होगा और बराबर भुजा ए है तो क्षेत्रफल हो जाएगा फोर इंटू रूट अंडर फोर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटे फोर एक समकोण त्रिभुज ए बी सी में एंगल सी बराबर नाइन्टी डिग्री है तो ए बी की लंबाई क्या हो जाएगा तो इसको आपको याद करके रखना है रूट टू ए सी ठीक है एक समकोण त्रिभुज में ए बी सी में एंगल सी बराबर नाइन्टी डिग्री है तो ए बी की लंबाई क्या हो जाएगा तो ए बी की लंबाई हो जाएगा रूट अंडर टू ए सी त्रिभुज ए बी सी में एंगल डी त्रिभुज ए बी सी में डी जो है बी सी के समांतर और ए डी बटे डी बी जो है पाँच बटे तीन हो तो ए बटे ए सी बराबर पाँच बटे आठ होगा तो ए बटे ए सी क्या हो जाएगा पांच बटे आठ त्रिभुज एबीसी तथा त्रिभुज डी एफ में एबी बटे डी बराबर बी सी बटे डी एफ तो ये दोनों त्रिभुज समरूप होंगे दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे समरूप हो जाएंगे एंगल बी बराबर एंगल डी आप देख लेते हैं हाँ ले दो समरूप त्रिभुजों की एक अनुपात दो के अनुपात में है तब इन त्रिभुजों के छतों का अनुपात क्या हो जाएगा एक अनुपात चार हो जाएगा ठीक है दो समरूप त्रिभुजों को बुझाओं जो समरूप त्रिभुज है उसकी भुजाएं जो है एक अनुपात दो के अनुपात में है तब इन त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात भी जो जाएगा वो हो जाएगा एक का स्क्वायर करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा दो का स्क्वायर करेंगे तो चार तो अब हम यहां से देखते हैं कि दो समरूप त्रिभुजों की भुजाएं जो है एक अनुपात दो के अनुपात में है तब इन त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात हो जाएगा एक अनुपात चार के ठीक है सम्भा त्रिभुज ए बी सी में यदि ए डी जो है वो लंब है बी सी पर ठीक है तब ए बी स्क्वायर बताते ए डी स्क्वायर बराबर चार बार तीन हो जाएगा ठीक है ए डी लम्ब जो है किस पर बी सी पर ठीक है तो मान लीजिए ये बी सी है ये इसको हम रख लेते हैं बी इसको सी और इस पर क्या किया है यहाँ पर जो है ऊपर से घिंचा हुआ है तो ई मान लीजिए कि एक त्रिभुज यहाँ पर हो गया एक त्रिभुज यहाँ मतलब ये त्रिभुज हो गया ऊपर के मान को हम ए दे दिए नीचे को दे दिए डी तो इस तरह के फिगर बनेगा तो इसको कहते हैं ए डी लम्ब बी सी तब जो है ए बी स्क्वायर बटे एडी स्क्वायर यानी ए बी स्क्वायर बटे एडी स्क्वायर बराबर हो जाएगा चार बटे तीन इसका मान होता है ऑब्जेक्टिव के रूप में पूछता है किसी त्रिभुज में दो कोणों का योग तीसरे कोण के बराबर है ठीक है किसी त्रिभुज में दो कोणों का योग तीसरे कोण के बराबर है यदि दो कोण का अंतर तीस डिग्री है तब त्रिभुज के कोण क्या हो जाएगा तीस डिग्री सात डिग्री नब्बे डिग्री हो जाएगा देखिए इस क्वेश्चन को समझिए कह रहा है कि किसी त्रिभुज में दो कोणों का योग जो है तीसरे कोण के बराबर है तो देखिए तीस और साठ के जोड़ लेंगे तो नब्बे हो जाएगा ना तो दो कोणों का योग जो है तीसरे कोण के बराबर है और यदि दो कोणों का अंतर तो देखिए दो कोणों का अंतर नब्बे में से साठ घटाइए तो भी तीस साठ में से तीस घटाइए तो भी तीस तो अंतर तीस आ रहा है तो इस तरह से त्रिभुज के कोण क्या हो जाएंगे तो त्रिभुज के कोण हो जाएंगे तीस डिग्री साठ डिग्री नब्बे डिग्री दो समरूप त्रिभुजों के क्षितफलों का अनुपात दो समरूप त्रिभुज है उसके समरूप त्रिभुजों त्रिभुज होता है उसके त्रिभुज के क्षितफलों का अनुपात अगर हमको निकालना है तो उसका अनुपात अगर सोलह अनुपात एकासी दिया हुआ है तो भुजाओं का अनुपात हो जाएगा चार अनुपात नौ देखिए दो समरूप त्रिभुज है तो उस समरूप त्रिभुज के क्षितफलों का अनुपात अगर दिया हुआ है कि सोलह अनुपात एकासी है और हमको कह आय की भुजाओं का अनुपात निम्नलिखित में से कौन है तो ऑप्शन में दिया रहेगा चार अनुपात नौ उसी में आपको टिक करना है त्रिभुज ए में ए बी बराबर छः रूट थ्री सेंटीमीटर ए सी बराबर बारह सेंटीमीटर और बी सी बराबर छः सेंटीमीटर है तो एंगल बी बराबर नाइन्टी डिग्री होगा कह रहा है कि त्रिभुज ए में ए बी बराबर छः रूट तीन मतलब छ रूट थ्री मतलब छ रूट तीन सेंटीमीटर है सिक्स रूट थ्री सेंटीमीटर और ए सी बराबर बारह सेंटीमीटर है बी सी बराबर छः सेंटीमीटर है तो एंगल बी बराबर क्या होगा तो एंगल बी बराबर निम्नलिखित में से तो पूछेगा कि एंगल बी का मान नाइन्टी होगा कि सिक्सटी फोर्टी फाइव थर्टी क्या होगा तो आपको नाइन्टी वाले में मारना है ठीक है एक तरह का है ऑब्जेक्टिव के रूप में पूछता है मैं आपको इतना एक्सप्लेन तो नहीं कर सकता हाँ जब चैप्टर में त्रिभुज के लेवल का क्वेश्चन आएगा तो इस तरह के क्वेश्चन को बनाया जाता है ताकि आपको जो है बना करके आंसर लाया जाए चलिए आगे हम आपको बता दें एक संभाव त्रिभुज कह रहा है कि एक सम्भा त्रिभुज ए की एक पूंजा टू ए है एक संभा त्रिभुज है एबीसी उसकी एक पूंजा जो है टू ए है तो इसकी ऊंचाई क्या हो जाएगा रूट हो जाएगा इसकी ऊंचाई क्या हो जाएगा रूट हो जाएगा यदि दो त्रिभुज यदि दो त्रिभुजों एबीसी तथा पीकीू वर में एंगल ए बराबर पी एंगल बी बराबर एंगल क्यू एंगल सी बराबर एंगल आर तो इसमें क्या हो जाएगा तीनों एक दूसरे के बराबर है तो इस स्थिति में एबीसी जो है समरूप हो जाएगा पी कीू आर का ठीक तो है तो त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी की वार का अगला देख लेते हैं यदि समांतर चतुर्भुज की सभी भुजाएं एक वृत्त को स्पर्श करें तो वह समांतर चतुर्भुज होगा यदि समांतर चतुर्भुज की सभी मुझाएं जो है को स्पर्श करता है तो समांतर चतुर्भुज क्या होगा वह समांतर चतुर्भुज सम चतुर्भुज के रूप में आता है तो समांतर चतुर्भुज कैसा होगा दो समरूप त्रिभुजों की दो संगत मुजाए तीन अनुपात पांच है तीन अनुपात पांच के अनुपात में है तो इन त्रिभुजों के क्षेत्रों का अनुपात हो जाएगा नौ अनुपात पच्चीस ठीक है तीन का स्क्वायर स्क्वायर त्रिभुज एबीसी में यदि एसी बराबर बीसी और टू ए सी स्क्वायर तब एंगल सी बराबर नाइन्टी डिग्री हो जाएगा तब क्या हो जाएगा एंगल सी बराबर नाइन्टी डिग्री बिंदु प्रथम है माइनस एक्स वाई दूसरा पाद में है माइनस एक्स वाई माइनस वाई माइनस एक्स माइनस वाई तृतीय पाद में तथा एक्स माइनस वाई चतुर्थ चतुर्थ चतुर्थांश में है ठीक है तब एक्स माइनस वाई क्या हो जाएगा तो एक्स माइनस वाई जो है चतुर्थ चतुर्थांश देखिए नियामक जमिति का एक क्वेश्चन है एक प्लस प्लस, प्लस वाला रहता प्रथम में एक में माइनस दूसरे का में प्लस दूसरा में तीन दोनों में माइनस तो तृतीय में और पहला में प्लस लास्ट में माइनस तो चतुर्थ हो जाता है कार्तीय तल में स्थित किसी बिंदु छ चार के कोटि का मान क्या हो जाएगा तो छ चार के तो पहला वाला भूज होता है पहले वाला क्या होता है भूज अगर भूज का पूछता तो छ लेकिन कोटि का पूछ रहा है तो चार हो जाएगा ठीक है तो भूज का मान छ बिंदु दो तीन की दूरी मूल बिंदु से कितना होगा तो आपको याद होगा इसका फॉर्मूला होता है तो आप ज्ञात कीजिएगा दू, थी, तो दो दू ना चार नौ नौ चार जोड़ेंगे तो तेरह हो जाएगा रूट तेरह ठीक है बिंदु माइनस पांच सात और माइनस एक तीन के बीच की दूरी क्या हो जाएगा इसके बीच की दूरी ज्ञात करना तो बिल्कुल ऐसे करेंगे एक्स टू माइनस एक्स वन वाई टू माइनस वाई वन करके निकालेंगे तो चार रूट टू आ जाएगा ठीक है किसी बिंदु की वाई एक्स से दूरी उस बिंदु का क्या कहलाता है तो किसी बिंदु से वाई एक्स की दूरी उस बिंदु का एक्स निर्देशांक यानी भूंज कहलाता है एक्स निर्देशांक कहिए या फिर भूज का कहलाता है वाई अक्ष से वाई अक्ष से, है? का। बिंदु से, अक्ष से जो दूरी जो होता है तो वाई अक्ष से पूछेगा तो एक्स निर्देशांक और पूछेगा तो वाई निर्देशांक ठीक है वाई अक्ष से पांच इकाई दाई और अक्ष पर एक बिंदु पी स्थित है तो पी के निर्देशांक क्या हो जाएगा पांच जीरो बिंदु बिंदु छ माइनस पांच का एक नियामक भूज है तो एक नियामक भूज क्या हो जाएगा तो नियामक एक हो गया, नियामक भूज भूज तो हो गया कोट भूज छ पहला होता है और बाद वाला जो होता है कोटी होता है तो भूज का मान क्या हो जाएगा छ मूल बिंदु का नियामक जीरो जीरो होता है मूल बिंदु का नियामक जीरो जीरो होता है कई बार ऑब्जेक्टिव में पूछा गया हुआ है प्रथम पाद में स्थित किसी बिंदु की एक शख्स क्या कहलाता है प्रथम पाद में स्थित किसी बिंदु की एक शख्स कोटि कहलाता है यहां पर देख लेते बिंदु आर है एक्स वन वाई वन और एस है एक स, एक, एक वाई टू, को मिलाने वाले रेखाखंड को मध्य बिंदु के नियामक इसका फॉर्मूला होता है एक्स वन प्लस टू और कौमा देकर के वाई वन प्लस वाई टू बटे टू ठीक है इसका फॉर्मूला आपको पूछेगा यही फॉर्मूला आपसे पूछेगा सरल रेखा एक्स बराबर टू है तथा वाई बराबर टू है तो ये एक दूसरे के लंबत होगा अगर सरल रेखा में टू है तो मान लीजिए कि का पर, कि का मान 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 पर लीजिए है और वाई का मान भी टू है तो क्या हो जाएगा तो ये अगर हम इसको मिलाएंगे तो एक दूसरे के लंबत हो जाएगा ठीक है अगर मिलाते हैं तब तो एक दूसरे के लंबत होता है अंतर विभाजन सूत्र क्या होता है तो अंतर विभाजन सूत्र यही होता है अंतर विभाजन सूत्र आप देख लीजिए ये भी एग्जाम में पूछा हुआ है अंतर्भाजन सूत्र एक्स टू प्लस में एम टू एक्स वन पहला में एम वन है तो दूसर का में एम टू हो जाएगा का में पहला में एक्स टू है तो दूसर का में एक्स वन बटे में क्या हो जाएगा एम वन प्लस एम टू फिर इसमें क्या करेंगे एम वन वाई वाई टू तो दूसर का में हो जाएगा एम टू वाई वन प्लस में एम वन प्लस एम टू इस फॉर्मूला को बहुत ईजी तरीके से याद कर सकते हैं कि पहला में एम वन है तो दूसर का में एम टू होगा ठीक है पहला में एक्स टू है तो दूसर का में एक्स वन होगा बटे में एम वन प्लस एम टू होगा फिर इसमें एम वन है तो लास्ट में एम टू होगा पहला में एम टू है वाई टू है तो दूसर का में वाई वन होगा बिंदु पी एक्स वाई पी एक्स वाई की मूल बिंदु से दूरी क्या हो जाएगा बिंदु पी एक्स वाई के मूल बिंदु से दूरी होता है रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर टेन पाई बटे टू का मान क्या होता है अपरिभाषित होता है tan पाई बटे टू का मान अपरिभाषित वन बटे रूट थ्री वन बटे रूट थ्री बराबर कितना होता है तो वन बटे रूट थ्री बराबर जो होता है ये किसका मान है वन बटे रूट थ्री ये टेन तीस डिग्री का मान है टेन थर्टी डिग्री का, का मान होता है वन बटे रूट थ्री आपसे पूछेगा कि वन बटे रूट थ्री निम्नलिखित में से किसका मान है साइंतीस कॉस तीस 30 इस तरह से चार ऑप्शन दिया रहेगा तो 30 में मारेंगे। से स्क्वायर ठीटा का मान क्या होता है, तो थीटा, का 10 थीटा, होता है, है? थीटा का मान टेन थीटा होता है ऑब्जेक्टिव में पूछता है थीटा का मान टेन थीटा होता है साइन फाइव अटे फोर कॉस फाइव एटे फोर साइन फाइव अटे फोर माइनस कॉस फोर का मान क्या होगा तो दोनों एक्जिशन है साइन फाइव अटे फोर मतलब पैंतालीस डिग्री और पैंतालीस डिग्री पूछ रहा है ठीक है तो घट जाएगा वैसे एक जैसा रहेगा तो घट जाता है साइन 45 डिग्री और कॉस पैंतालीस डिग्री दोनों का मान एक जैसा होता।, होता है वन बटे रूट टू होता है वन बटे रूट टू वन बटे रूट टू घटाएंगे तो जीरो जाएगा यदि ए प्लस बी बराबर नाइन्टी डिग्री है तो कॉस ए बराबर साइन बी हो जाएगा कॉस ए बराबर क्या हो जाएगा यदि ए प्लस बी बराबर नाइन्टी डिग्री है तो कॉस ए बराबर साइन बी हो जाएगा यदि थ्री ठीटा बराबर नाइन्टी डिग्री है तो कॉस टीटा का मान क्या हो जाएगा तो थ्री ठीटा बराबर नाइन्टी डिग्री है तो कॉस टीटा का मान हो जाएगा रूट थ्री बाइट टू रूट थ्री टू वन प्लस टाइनस को थीटा का मान क्या होता है तो वन प्लस टाइनस को थीटा का मान स स्क्र होता है क्योंकि सिक थीटा प्लस टाइन को थीटा बराबर वन होता है वन बटे रूट थ्री किसका मान है तो वन बटे रूट थ्री टेन सिक्स का मान है वन बटे रूट थ्री टेन फाइव सिक्स या टेन थर्टी डिग्री का मान है आप यहाँ पर देखे हैं कि नहीं टेन थर्टी या उसको हम पाइव में मान करेंगे तो फाइव एटे सिक्स

ठीक है वन प्लस कॉट स्क्वायर ए बटे वन प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर क्या होगा कॉट स्क्वायर ए वन प्लस कॉट स्क्वायर ए बटे वन प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर होगा कॉट स्क्वायर ए आप इसे प्रूव भी कर सकते हैं या फिर आप इसे याद कीजिए चलिए अगला देख लेते हैं यदि साइन टीटा बराबर तीन बटे पांच हो तो कॉस्ट टीटा बराबर क्या होता है तो साइन टीटा बराबर तीन बटे पांच हो तो कॉस्टिटा बराबर हो जाएगा चार बटे पांच कैसे निकला है तो आपको यहां पर फिगर बनाना है साइन टीटा के जगह तीन बटे पांच रखिए अपने मान चल जाएगा कि कॉस्टिटा की जगह क्या होता है तो मान लीजिए कि यहां पर तीन हो गया यहाँ पर पांच हो गया हमको ये निकालना है बी तो पाँच के स्क्वायर माइनस तीन के स्क्वायर तो पचास पच्चीस तीन नौ नौ पच्चीस में से नौ गया तो सोलह सोलह का वर्गमूल निकाल के तो क्या हो चार तो कौ थीटा बराबर क्या हो जाएगा चार बटे पांच ठीक है इस तरह से निकाला जाता है नाइन से स्क्वायर माइनस नाइन टाइन स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा तो से के स्क्वायर थीटा माइनस टाइन स्क्टा बराबर क्या होता है वन होता है और नाइन है तो नाइन कॉमन हो जाएगा तो इस तरह से क्या हो जाएगा नाइन इसका आंसर हो जाएगा आप सोचिएगा कि इसका वन हो जीरो होगा तो नहीं क्योंकि अगर हम नाइन इसमें से कॉमन करते हैं तो क्या हो जाएगा से स्क्वायर थीटा बचेगा ना से स्क्वायर थीटा माइनस में क्या बचेगा टेन स्क्वायर थीटा तो शेख स्क्वायर थीटा और टेन स्क्वायर का मान कितना होता है नौ इंटू वन तो इसका मान कितना हो जाएगा नौ इंटू वन नौ होगा अब देखिए यदि यहाँ पर हम देख लेते हैं यहाँ पर हम आपको बता देते हैं चलिए इसको हटाते हैं टेन यदि टेन ठीटा बराबर रूट थ्री है तो ठीठा का मान क्या हो जाएगा तो टेन ठीठा रूट थ्री तो ठीठा का मान सात डिग्री हो जाता है

टेन ए बराबर कोट माइन कॉट इंटू नाइन नाइन्टी माइनस ए होता है टेन ए बराबर कॉट इंटू नाइनटी माइनस ए यदि साइन ए बराबर तीन बटे चार तो कॉस ए बराबर क्या हो जाएगा रूट सेवन बटे फोर रूट सेवन बटे फोर साइन ए बराबर तीन बटे चार हो तो कॉस ए बराबर रूट सेवन बटे फोर किसका मान जीरो के बराबर है तो साइन जीरो डिग्री का मान जीरो के बराबर होता है कॉस नाइन्टी डिग्री का मान होता है जीरो के बराबर टेन जीरो डिग्री के बराबर जीरो के बराबर कोट नाइन्टी डिग्री का मान ये चार को है तो साइन कॉस का साइन जीरो और कॉस नाइन्टी टेन जीरो और कॉट नाइन्टी इस तरह से इस का मान जीरो के बराबर होता है किसका मान एक बटे दो के बराबर होता है तो तीस और कॉ सिक्सटी का मान एक बटे दो के बराबर होता है साइन तीस का दुगुना करेंगे तो कॉ सिक्सटी मतलब साइंतीस कॉ सिक्सटी का मान मतलब कॉस साठ का मान एक बटे दो के बराबर होता है किसका मान वन बटे रूट टू के बराबर होता है वन बटे रूट टू फोर्टी फाइव और कॉस फोर्टी फाइव दोनों का मान एक जैसा होता है किसका मान रूट थ्री बटे टू के बराबर होता है तो साइन सिक्सटी और कॉस थर्टी इसका मान अब मैं इसमें आप त्रिकोणमितीय मान को आपको ट्रिक पर याद कराने के लिए वीडियो रिकॉर्ड कर लिया हूँ चैनल पर जल्द ही अपलोड हो जाएगा एडिटिंग में लगाया हूँ किसका मान वन बटे रूट थ्री के बराबर होता, तो होता, होता है तो टेन थर्टी डिग्री और कॉट सिक्सटी डिग्री का मान होता है किसका मान रूट थ्री के बराबर होता है तो टेन सिक्सटी और कॉ थर्टी के मान जो होता है रूट थ्री के बराबर होता है किसका मान एक के बराबर होता है तो कॉस जीरो डिग्री शेख जीरो डिग्री कौस नाइन साइन नाइनटी डिग्री टेन पैंतालीस डिग्री कौशक नाइन्टी डिग्री शेख जीरो डिग्री कॉट पैंतालीस डिग्री अगर आपसे क्वेश्चन यही पूछेगा यही पूछता है तो यही बच्चा को कन्फ्यूजन जाता है कि, कि किसका मान वन के बराबर है ऑप्शन उसमें दे देगा चार को तीन को ऑप्शन दे देगा आप उसमें कन्फ्यूजन हो जाएगा तो देखिए कॉस जीरो डिग्री और साइन नाइन्टी डिग्री तो इसका होता है उसके बाद शेख जीरो डिग्री और कौशक नाइन्टी डिग्री इसका हो गया उसके बाद है कि सेक जो है जीरो डिग्री का भी होता है ठीक है जीरो डिग्री का हो गया है उसके बाद टेन पैंतालीस डिग्री और कोट पैंतालीस डिग्री इतना याद रखेगा किसका मान दो के बराबर है तो कौशिक तीस और सेक साठ कौशिक तीस सेक साठ का मान जो होता है दो के बराबर है दो कौश स्क्वायर साठ का मान कितना होता है तो दो कौश स्क्वायर साठ का मान जो होता है एक बटे होता है दो कौश स्क्वायर साठ का मान कितना होता है एक बटे साइन स्क्वा थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर वन था यह त्रिकोणमिति का बेसिक फॉर्मूला है जो आपको याद करना चाहिए साइनसक् थीटा प्लस थीटा बराबर वन है तो साइस थीटा बराबर क्या हो जाएगा ये वन और कॉस थीटा उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा तो साइन थीटा प्लस कॉस स्क्टीटा बराबर वन तो साइन स्क्वारीटा बराबर वन माइनस कॉस कॉस बराबर फिर निकालना तो क्या हो जाएगा वन और साइन बराबर कुछ बदल जाएगा तो माइनस हो जाएगा तो वन माइनस साइन बराबर क्या होता है तो सेक्टा माइनस वन वैसे बराबर क्या होता है वन होता है ठीक है तो ये बेसिक फॉर्मूला है इस तरह से आप इसको बना सकते हैं कशे स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थी वन होता है तो कौशक थीटा बराबर क्या हो जाएगा वन कोर्ट स्क्वायर थीटा उधर जाएगा प्लस हो जाएगा कॉट थीटा तो कॉट स्क्वार थीटा बराबर होता है कॉशक स्क्वायर थीटा माइनस वन क्योंकि इसको इधर खींच लेंगे तो माइनस हो जाएगा तो कॉट स्क्वा स्क्वायर थीटा माइनस वन उसके बाद है यहाँ पर भी है साइन नाइनटी माइनस होता है कॉस थीटा का मान बराबर ऑब्जेक्टिव में पूछता है साइन टेन नाइन माइनस हो जाएगा कॉ टीट का बराबर सेटा हो जाएगा कौशक के बराबर हो जाएगा साइन टीटा के बराबर हो जाएगा बराबर कौशक नाइन्टी माइनसा हो जाएगा टेन फोर्टी नाइन और टेन फोर्टी सॉरी फोर्टी नाइन टेन फोर्टी वन का मान कितना हो जाएगा वन हो जाएगा क्या है तो फोर्टी नाइन का हम इसमें करेंगे तो सौ में से घटाएंगे फोर्टी नाइन तो सौ में से फोर्टी नाइन यहां पर रहने देंगे घटाएंगे तो इसको आराम से अपना आंसर आ जाएगा ठीक है चलिए यहां पर देख लेते स्वायर सिक्सटी डिग्री माइनस वन का मान कितना होता है सेक स्क् सिक्सटी डिग्री माइनस वन का मान हो जाएगा तीन यदि साइन थीटा बराबर थीटा है तो थीटा का मान क्या हो जाएगा दोनों तो तो का मान होता है पैतालीस डिग्री टू टैन तीस डिग्री बटे वन प्लस टैन स्क्वायर तीस डिग्री मान क्या होगा तो साइन सात डिग्री होगा आप निकाल करके देख सकते हैं चलिए आगे देख लेते हैं वन माइनस टेन स्क्वायर पैतालीस बटे में वन प्लस टाइन स्क्वायर पैंतालीस दोनों का मान निकालेंगे तो क्या होगा जीरो क्या होगा जीरो वन प्लस टेन टीटा प्लस में सिक्स टीटा वन प्लस टेन टीटा प्लस में सिक्स टीटा वन प्लस कॉटीटा माइनस कौशिक टीटा बराबर किसका होगा तो दो के बराबर होगा किसके बराबर होगा तो दो के बराबर होगा वन प्लस टेन टीटा प्लस सिक्स टीटा वन प्लस को टीटा माइनस कौशिक टीटा जो है दो के बराबर होता है सेक्वायर ए प्लस टेन से स्क्वायर ए प्लस टेन है इंटू वन माइनस आइन है बराबर किसका होगा तो कॉस तो ए का बराबर होगा सी के स्क्वायर ए प्लस टेन ए इंटू वन माइनस साइन ए बराबर किसका होगा तो कॉस ए के बराबर होगा वन प्लस टेन स्क्वायर ए बटे वन प्लस कॉट स्क्वायर ए इसका मान किसके बराबर होगा तो टेन स्क्वायर ए के बराबर होगा कॉस फोर ए माइनस साइन फोर ए बराबर होगा टू कॉस स्क्वायर ए माइनस वन कॉस फोर ए माइनस साइन फोर ए बराबर हो जाएगा टू कॉस स्क्वायर ए माइनस वन ये हो गया यदि किसी त्रिभुज ए बी सी में एंगल ए तथा एंगल बी पूरा खाए तो कॉट सी का मान क्या होगा यदि किसी त्रिभुज ए बी सी में एंगल ए तथा तो एंगल बी पूरक है तो कॉट सी का मान जो है जीरो डिग्री हो जाएगा टेन स्क्वायर छत्तीस डिग्री बटे ए स्क्वायर चौवन आप देख लीजिएगा कि सौ में से चौवन को घटाएंगे तो कितना आता है तो सौ में से चौवन को घटाएंगे तो कितना आएगा आपको मालूम है तो चौवन सौ साठ तीस मतलब साठ चालीस आएगा इस तरह से आपको मिलाना है ठीक है तो सौ माइनस नाइन्टी करिएगा तो अपने आ जाएगा तो सौ माइनस यहाँ पर मान लीजिए कि हम इसको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा उस लेवल से हमको इसमें रखना पड़ता है तो इसके लिए हम आपको वीडियो लाएंगे तो उसमें अच्छी तरह से समझाएंगे फिलहाल आप इसको याद रखिए इसे कि वन होगा चलिए यहाँ पर देख लेते हैं यदि कोट थीटा बराबर तीन बटन चार है तो टेन स्क्वायर टीटा बराबर कितना होगा तो सोलह बटे न क्योंकि इसका स्क्वायर कर देंगे ठीक है तो तीन तीनों चल चुका सोलह यदि टू साइन ए बराबर रूट थ्री है तो ए का मान कितना होगा तो टू साइन ए बराबर तो रूट थ्री है तो साइन ए बराबर क्या हो जाएगा रूट थ्री बटे टू और रूट थ्री 60 डिग्री का ए चार पांच, तो का मान कितना होगा तो टेन ए का मान हो जाएगा तो तीन बटे किसी किसी त्रिभुज के कोण हूँ तो साइन बी प्लस सी बटे होगा कॉस ए बटे बी प्लस सी बटेगा का मान वन होता है लेकिन टेन स्क्वार सेक्वार थीटा का मान कहेगा तो उल्टा होगा माइनस वन कॉस टीटा बराबर होगा रूट अंडर वन माइनस साइन स्क्वार ये कैसे हुआ तो देखिए साइन थीटा यहाँ पर लिखेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर ठीक है ठीक है तो हमको क्या करना है कॉस थीटा का मान निकालना है तो कॉस स्क्वायर बराबर क्या होता है हो जाएगा वन माइनस साइन स्क्वा ठीटा कॉस स्क्वायर है तो कॉस का अगर हम स्क्वायर हटा देते रूट में चल जाएगा इसीलिए वन माइनस साइन स्को ठीटा रूट में चल जाता है कॉस वन डिग्री कॉस टू डिग्री कॉस थ्री डिग्री डेस डैस डैस कॉस एक सौ अस्सी डिग्री बराबर किसके मान के बराबर होता? होता है जीरो के बराबर होता है यदि cos प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर वन है तो साइन स्क्वायर ए प्लस साइन फोर का मान कितना होगा तो इसका भी मान वन ही होगा क्यों क्योंकि साइन स्क्वायर ठीठा प्लस कॉस स्क्वायर बराबर वन होता है इसी के केस में हमको जो साइन स्क्वायर ए रहे चाहे साइन स्क्वायर फोर है तो इसको हम क्या करेंगे इसको हम साइन फोर ए है इसको चेंज कर देंगे कॉस स्क्वायर में ऑटोमेटिक इसका वन हो जाएगा यदि टू कॉस थ्री ठीटा बराबर वन है तो ठीठा का मान ट्वेंटी डिग्री होगा यदि टू कॉस थ्री ठीठा बराबर वन है तो ठीठा का मान क्या हो जाएगा ट्वेंटी हो जाएगा क्योंकि कॉस थ्री थीटा बराबर वन बट कॉस थ्री थीटा बराबर वन बट टू हो जाएगा तो थीटा का मान यहाँ से हमको निकालना रहेगा तो यहाँ से ट्वेंटी हो जाएगा क्योंकि थ्री से भाग भी करना है ना उसमें चलिए यदि ए और बी दो ऐसे न्यून कोण हो कि साइने बराबर कॉस बी है तब ए प्लस बी बराबर नाइन्टी डिग्री होगा यदि ए और बी दो ऐसे न्यून कोण हो कि साइने बराबर कॉस बी तब ए प्लस बी बराबर नाइन्टी डिग्री यदि साइन थीटा बराबर रूट टू कॉस टीटा तो सेख थीटा बराबर रूट थ्री होगा यदि साइन थीटा बराबर रूट टू कॉस्ट टीटा तो सेख थीटा बराबर रूट थ्री होगा

टू टीटा बराबर रूट थ्री तो टीटा का मान तीस डिग्री होगा सूर्य का उन्नयन कोण जब किसी सीधे खड़े खंभों की छाया और उसकी ऊंचाई के बराबर हो तब पैंतालीस डिग्री होता है सूर्य का उन्नयन कोण जब किसी सीधे खड़े खंभों की छाया और उसकी ऊंचाई के बराबर हो तो पैंतालीस डिग्री होगा सूर्य का उन्नयन कोण जब किसी सीधे खड़े खंभे की छाया और उसकी लंबाई के बराबर हो उसकी लंबाई क्या हो जाएगा पाई बटे हो जाएगा पाई का मान एक होता है उसमें चार से भाग कर दीजिए तो कितना आएगा एक में चार से भाग कीजिएगा तो आ जाएगा आपका चार चौका सोलह दो जीरो चार 45 बीस पैंतालीस डिग्री ठीक है पैंतालीस के रूप में कहा जाएगा यदि तो गुना कर देंगे सोलह बटे दे, सिक्सटी बटे नाइन हो जाएगा ठीक है यदि रूट थ्री हो तो एक मान एक मिनट एक मिनट दो से पेज हमको लगता है ओह ये तो हम कर दिए हैं ये दो बार इसमें आ गया था चलिए इसको हटाते हैं यहां से देखिए पाँच मीटर ऊँची उदर्ग मीनार के पास से पाँच मीटर दूर स्थित बिंदु पर मीनार की चोटी का उन्नयन केन्द्र कितना होगा तो पाँच मीटर ऊंची उदर्ग मीनार के बाद से पाँच मीटर दूर पर है तो पाँच मीटर है या पाँच मीटर दूर पर है तो इस तरह से इस केस में पैंतालीस डिग्री का मान आता है जब एक जैसा रहेगा तो पैंतालीस डिग्री का मान रहेगा उन्नयन कोण एवं कोण में क्या संबंध है उन्नैन कोन और कोण दोनों समान होता है इसमें यही संबंध है आपको ये ऑब्जेक्ट में पूछे हुआ है यदि एक उदग्र खंबे की छाया की लंबाई खम्भे की लंबाई रूट थ्री गुना है तो सूर्य का उन्नयन कौन क्या होगा तो रूट थ्री गुना है तो सूर्य का उन्नयन कौन हो जाएगा मतलब वन बटे रूट थ्री वन बटे रूट थ्री किसका होता है टैन तीस डिग्री का मान होता है तो तीस डिग्री वृत्त के केंद्र के पर बना कौन कैसा होता है तो वृत्त के केंद्र पर बना कौन तीन सौ साठ डिग्री का होता है वृत्त जो होता है वृत्त के केंद्र के पर जो बनता है कौन वो तीन सौ साठ डिग्री क्योंकि जीरो से शुरू हुआ और पूरा एक चक्कर लगाया तो तीन सौ साठ डिग्री अर्धवृत्त का कोण कितना होता है अर्धवृत्त अर्धवृत्त का कोण हो जाएगा नब्बे डिग्री क्यों क्योंकि अर्धवृत्त आधा कह रहा है तो आधा कह रहा है मतलब अर्धवृत्त कह रहा है वैसे तो अर्धवृत्त का कोण वैसे आपको जो है एक सौ अस्सी होना चाहिए लेकिन अर्धवृत्त मतलब चार को वृत्त का हमको चार भाग करना पड़ेगा ठीक है मतलब ये करेंगे तो ये हो जाएगा एक भाग का ये पूछ रहा है अगर दो भाग का पूछेगा तो एक सौ अस्सी हो जाता वहात स्पर्श करने वाले दो वृत्तों के उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या कितनी होगी तो तीन हो जाएगा बाहता स्पर्श करने वाली दो ब्रीतों के संख्या तीन हो जाएगी किसी बाहरी बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई दोनों स्पर्श रेखाओं की लंबाइया में संबंध जो होता है वह सम्मान होता है ठीक है किसी वृत्त पर बाहरी बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की संख्या जो होता है दो होता है और इसमें जो है संबंध जो होता है सम्मान होता है वृत्त सी ओ आर के अंत भाग में एक बिंदु पी है तो आ, पी है तो बराबर होगा आर आर जो होता है ग्रेटर देन ओपी हो जाएगा आरिस में क्या हो जाएगा गोपी से बड़ा हो जाएगा वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या होती है तो ब्यास होती है मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है वृत्त की सबसे बड़ी जीवा ब्यास होती है यदि समांतर चतुर्भुज की सभी बुझाएं एक वृत्त को स्पर्श करे तो वह समांतर चतुर्भुज कैसा होगा और सम चतुर्भुज होगा किसी वृत्त के ब्यास के दोनों किनारों से घिंची गई स्पर्श रेखा हमेशा क्या होता है समांतर होता है हमेशा समांतर होता है किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे एक बिंदु पर स्पर्श करती है किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे एक बिंदु पर स्पर्श करती है किसी वृत्त के स्पर्श करते हैं उसे एक बिंदु पर स्पर्श करती है कुछ लोग सोच रहे हैं कि आप अपना व्हाट्सएप नंबर नहीं दे रहे तो मैं अपना व्हाट्सएप नंबर दे देता हूं एट एट सेवन थ्री टू वन जीरो सेवन वन थ्री आप इस पर कॉल नहीं कीजिएगा आपको बस लिखना है फॉर्मूला आपको सिर्फ क्या करना है लिखना है फॉर्मूला मैं समझ जाऊंगा और आपको फॉर्मूला भेज दूंगा आपको कॉल उल नहीं करना अट्ठासी तिहत्तर कस जीरो सात तेरह वना आपके नंबर को ब्लैक लिस्ट में डाल दिया जाएगा फिर बाद में आपको कोई भी मैसेज करने का भी टाइम नहीं दिया जाएगा ठीक है इसीलिए आप कॉल नहीं करेंगे आपको सिर्फ मैसेज करना है अट्ठासी तिहत्तर कस जीरो सात तेरह चलिए आगे देख लेते हैं यदि दो ब्रीत एक दूसरे को बाहर से छूते हैं तो दोनों ब्रीत से एक साथ गुजरने वाली स्पर्श रेखा की संख्या वन होती है ठीक है तो क्या होती है वन होती है यदि पिक्की वाले से एक समांतर चतुर्भुज पूर्णतः वृत्त से घिरा है तो यह एक समलंब चतुर्भुज नहीं है यह क्या है समलंब चतुर्भुज नहीं है किसी त्रिभुज के तीनों लंब के, के, के मिलान बिंदु को लंब केंद्र कहते हैं किसी त्रिभुज के तीनों लंब के मिलान बिंदु को लंब केंद्र कहते हैं यदि कोई रेखा वृत्त को सिर्फ एक बिंदु पर स्पर्श करती है तो वह रेखा क्या होता है स्पर्श रेखा कहलाती है तो वह रेखा स्पर्श रेखा कहलाती है दो भिन्न त्रिज्याय वाली वृत्त हमेशा समरूप होते हैं दो अलग दिग अलग त्रिज्या वाला वृत्त क्या होता है हमेशा समरूप होते हैं वृत्त की परिधि टू पाई आर होता है जब जब परिधि दिया हो तो वृत्त की त्रिज्या हमें ज्ञात करना हो तो वृत्त की परिधि बटे टू पाई ज्ञात करना पड़ेगा तो वृत्त की परिधि बटे टू पाई फॉर्मूला लगाएंगे वृत्त का क्षेत्रफल पाई पाईआर स्क्वायर होता है वृत्त का क्षेत्रफल पाई पाईआर स्क्वायर वृत्त की परिधि टू पाईआर जब क्षेत्रफल दिया हो तो वृत्त की त्रिज्या निकालना हो तो वृत्त का क्षेत्रफल रूट अंडर वृत्त का क्षेत्रफल बटे पाई रूट अंडर वृत्त का क्षेत्रफल बटे पाई अर्धवीत की परिमिति तो पाई प्लस टू इंटू आर और जब व्यास डी है

तो पाई आर थीटा बटे एक सौ अस्सी होता है पाई थीटा बटे एक सौ अस्सी यदि किसी वृत्त की त्रिज्या दुगुनी कर दी जाए तो नए एवं पुराने वृत्तों की परिधियों का अनुपात क्या होगा यदि किसी वृत्त की त्रिज्या जो है दुगुनी कर दी जाए तो नए एवं पुराने वृत्तों की परिधियों का अनुपात दो अनुपात एक होगा चतुर्थांश का क्षेत्रफल जो है वन बटे फोर पाईआर स्क्वायर होता है वन बटे फोर पाईआर स्क्वायर यदि किसी वृत्त की त्रिज्या आधी कर दी जाए तो पुराने तथा नए वृत्तों के परिधियों का अनुपात जो होता है दो अनुपात एक होता है यदि किसी वृत्त की त्रिज्या जो है आधी कर दी जाए तो पुराने तथा नए वृत्तों के परिधियों का अनुपात दो अनुपात एक होगा यदि किसी वृत्त की त्रिज्या दुगुनी कर दी जाए तो पुराने एवं नए वृत्तों के क्षेत्रफलों का अनुपात एक अनुपात चार होगा ये सब आपको पूछा हुआ क्वेश्चन है इसलिए मैं उसमें से नोट किया हूँ दो वृत्तों के क्षेत्रफलों का अनुपात चार अनुपात एक है तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात जो जाएगा दो अनुपात एक हो जाएगा ठीक है यदि एक वृत्त की परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर है तो उस वृत्त की त्रिज्या दो मात्रक होगा एक वृत्त का क्षेत्रफल एक दूसरे वृत्त के क्षेत्रफल का सोलह गुना है तो उनके त्रिज्याओं का अनुपात चार अनुपात एक होगा घनाभ का विकर्ण रूट अंडर लंबा स्क्वायर प्लस रूट अंडर चौराहे स्क्वायर सॉरी रूट अंडर लंबा स्क्वायर प्लस चौराहुई स्क्वायर प्लस ऊंचाई स्क्वायर इकाई में होता है घनाभ का आयतन लंबाई गुण चौराई गुने ऊंचाई इकाई होता है इकाई नहीं दीजिएगा तो आंसर नंबर कट जाएगा ग्राम का पृष्ठीय क्षेत्रफल टू इंटू एलबी प्लस बी एच प्लस एच एल होता है घन का आयतन जो होता है भूंजा क्यूब होता है यानी भूंजा क्यूब घन इकाई में होता है घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है छ गुणे भूजा स्क्वायर बेलन का आयतन होता है पाई पाईआर स्क्वायर एच वक् पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है टू पाई आर एच बेलन के पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल होता है टू पाई आर इंटू आर प्लस एच शंकु का वक् पृष्ठ होता है पाई आर एल वर्ग इकाई शंकु का पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर इंटू एल प्लस आर पाईआर इंटू एल प्लस आर वर्ग इकाई शंकु का आयतन एक बटे तीन पाईआर स्क्वायर एच घन इकाई में होता है अगला देख लेते हैं गोला के संपूर्ण पृष्ठ हो जाएगा फोर स्क्वायर जब संपूर्ण पृष्ठ दिया हो तब त्रिज्या निकालना तो रूट अंडर संपूर्ण पृष्ठ बटे फोर पाई ब्यास निकालना हो तो रूट अंडर संपूर्ण पृष्ठ बटे पाई आ जब त्रिज्या निकालना तो फोर पाई गोले का आयतन चार बटे तीन पाई क्यूब पाई आर क्यूब त्रिजा जो है रूट अंडर क्यूब होता है क्यूब थ्री बाई फोर पाई गुने गोले का आयतन इसको क्यूब पढ़ते हैं रूट यहाँ पर रूट क्यूब है सिक्स गुने गोले का आयतन बटे रूट सॉरी पाई गोलाकार छिलके का आयतन चार बटे तीन पाई बड़ी आर क्यू माइनस छोटी आर क्यू अर्धगोले का वक् पिस्ट टू पाई आर स्क्का तीन पाई आर क्यू होता है एक नाव के तीन संकलन फलकों का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एवं जेड स्क्वायर है तो उनका आयतन हो जाएगा एक्स वाई जेड यदि एच ऊंचाई तथा आर त्रिज्या वाले एक ठोस बेलन के एक का क्षेत्रफल इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का एक तिहाई है तो एच बराबर हो जाएगा एक बडे दो आर बारह सेंटीमीटर व्यास के गोले द्वारा विस्थापित ता हवा का आयतन कितना हो जाएगा दो सौ अठासी बाई सेंटीमीटर क्यों किसी पाँच सेंटीमीटर भूंजा वाले घन को बांट कर एक सेंटीमीटर भूंजा वाले घन बनाए जा सकते हैं तो कितने बनाए जा सकते हैं तो पाँच सेंटीमीटर भूंजा वाले घन को बांट करके एक सेंटीमीटर के एक सौ पच्चीस भूजा वाले घन बनाए जा सकते हैं दो बेलनों की त्रिज्याओं का अनुपात दो अनुपात तीन है तथा उनकी ऊंचाई का अनुपात पाँच अनुपात तीन है तो उनके आयतनों का तो उनके आयतनों का अनुपात कितना हो जाएगा तो उनके आयतनों का अनुपात हो जाएगा चारों अनुपात नौ देखिए यहाँ पर माध्य दिया हुआ है अब माध्य से बताएंगे सरल वितरण यानी ए जो था माध जो होता है सिग्मा एक्स बट एन बारम्बरता वितरण होता है उसको सिग्मा एक्स एफ बट सिग्मा एफ कहते हैं सरल वितरण ए बराबर यानी होता है ए इंटू सिग्मा डी बट एन बारम्बरता वितरण ज्ञात करना हो तो ए दाएंड प्लस में सिग्मा एफ डी बटे सिग्मा एफ पद विचलन रीति याद करना हो तो ए प्लस एल इन टू सिग्मा एफ डी डैश बटे सिग्मा एफ यहाँ ए बराबर कल्पित मात होता है डी बराबर कल्पित मात से पदों का विचलन यानी एक्स बराबर में होता है एक्स माइनस वन एल बराबर जो होता है वर्ग की वर्ग अंतराल की लंबाई या माप होता है डी डैश बराबर होता है डी एल डी बटे डी एल एफ बराबर जो है वर्ग अंतराल की बराबरता होता है वर्ग अंतराल का वर्ग चर मान होता है मादिका एम बराबर एल प्लस एल प्लस एन बाई टू माइनस ए बटे छोटका एफ गुण आई मादिका के फॉर्मूला होता है एल प्लस एन बटे टू माइनस बरका बटे छोटका एव गुण इसमें एल बराबर मादिका वर्ग की सीमा छोटका एप बराबर होता है मादिका वर्ग बर की बारम्बरता है एन बराबर होता है कुल बार्बरता इसको सिग्मा एप से निकालते हैं बड़का एप होता है मादिका वर्ग के ठीक पहले वाले वर्ग की संचयी बार और आई बराबर होता है मादिका वर्ग की लंबाई आगे देख लेते बहुलक जो चार मान सबसे ज्यादा बार आया है वही चार मान बहुलक कहलाता है ठीक है जैसे एक तीन जीरो तीन एक तीन में का बहुलक क्या हो जाएगा इसमें तीन जो है देख रहे हैं एक दो तीन बार आया है और एक एक दू ये बार आया तो बहुलक क्या होगा तीन होगा बहुलक एमओ बराबर होता है एल प्लस

प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का माध्य क्या होगा एक क्वेश्चन पूछा हुआ है प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का माध्य 11 होगा तोरण घिसने के लिए वर्ग अंतराल वर्ग अंतरालों बराबर परजी होता है माध्य x माध्यिका y बहुलक z के बीच का संबंध क्या हो जाएगा x z 3 x y यह क्वेश्चन पूछा हुआ है केंद्रीय प्रवृत्ति के माप नहीं है केंद्रीय प्रवृत्ति के कौन माप नहीं है तो यह मानक विचलन मानक विचलन केंद्रीय प्रवृत्ति के माप नहीं है प्रथम पांच विषम संख्याओं का माध्य क्या होगा तो प्रथम पांच विषम संख्याओं का माध्य पाँच ही होगा यदि ई कोई घटना हो तो पीई प्लस में पीई डैश क्या हो जाएगा वन हो जाएगा यदि ई कोई घटना है तो पीई प्लस पीई डैश क्या हो जाएगा वन हो जाएगा किसी घटना की प्रयक्ता क्या नहीं होती है तो हो किसी घटना की प्रियता माइनस में नहीं होती माइनस से भी नहीं होगा ठीक है किसी घटना की निश्चित घटना की प्रियता क्या होती है निश्चित घटना की प्रयक्ता वन होती है एक पासा फेंकने पर एक आभार संख्या पाने की प्रियता क्या होगा एक पासा फेंकने पर एक आभास संख्या पाने की प्रयता एक बटे दो होगा एक सिक्के को एक बार उछालने पर चित आने की प्रियता क्या होगा तो एक सिक्का को एक बार उछालते तो दू आने की एक बटे तेरह होगा ठीक है क्योंकि एक बटे तेरह का मतलब जानते हैं कि एक बटे तेरह मतलब बावन पत्ता में एका चार गो रहता है तो चार बटे बावन करेंगे तो चार के बावन से काटेंगे तो एक बटा तेरह आ जाएगा बावन चार से तेरह मतलब कटेगा एक सिक्का को उछालने पर पॉट आने की प्रयक्ता है तो एक बटे होगा ठीक है क्योंकि पॉट और चीट एक होता है तो पॉट पूछ रहा था एक बटे दो तीन सिक्के उछालने पर दो हेड आने की प्रयक्ता तो तीन सिक्का है तो दो को हेड आएगा तो दो को हेड आने की प्रक्रिया दो बटे कितना हो जाएगा बटे एक मिनट दो बटे क्या हो जाएगा आपका चार हो जाएगा दो बटे चार इसको काटेंगे दो का चार क्योंकि दुयो को पूछ रहा है एक असंभव घटना होने की प्रयिकता जीरो होता है असंभव घटना होने की प्रियता मतलब जीरो है किसी घटना ई के लिए पीई बराबर क्या हो जाएगा वन हो जाएगा किसी घटना की प्रयता का अधिकतम मान वन ही हो सकता है वन से ज्यादा नहीं हो सकता एक साथ दो पासे को उछालने पर प्राप्त संख्याओं का जोर होने की प्रयता क्या कहेगा एक बटा छो पासों को उछालने पर प्राप्त संख्याओं का जोड़ेंगे तो जोर होने की प्रयता है एक, एक साथ दो सिक्कों को उछालने पर कम से कम एक हेड आने की प्रियता तो तीन बटे चार होगा एक ही हेड आने के पूछ रहा है तो दो गो सिक्के को उछालेंगे तो चार को दो पट दो चिट आएगा तो एक हेड आने के पूछ रहा है तो एक हेड को घटा देंगे तो तीन बटे चार किसी पासे को फेंकने पर सम संख्या आने के प्रयोग था तो एक बटे दो होगा एक बटे दो सम रह तीन सम रहता तीन को विषम रहता है ठीक है तीन बटे छः करेंगे तीन का तीन तीन दोनों न तो इस तरह से मैं आपको टोटल तीन सौ सत्रह फार्मूला इस वीडियो में है मतलब तीन सौ सत्रह में से आप पैंसठ घटा दीजिए तो तीन सौ सत्रह तीन सत्रह माइनस में घटा दीजिए पैंसठ तो कितना फार्मूला टोटल हो गया सात में से पाँच गया दो ग्यारह में से छः गया तो हो जाएगा पाँच या दो दो सौ बावन यानी ढाई सौ फार्मूला मैंने आपको इस वीडियो में दिया था आपको अगर व्हाट्सअप नंबर नहीं मिला तो आप नोट कर लीजिए डबल एट सेवन थ्री टू वन जीरो सेवन वन थ्री पर आपको व्हाट्सअप करना है और लिखना है सिर्फ फार्मूला आपको फॉर्मूला लिख करके भेजना है मैं आपको इधर से सारे के सारे का फोटो जो है क्लिक किया हूँ वो आपके व्हाट्सएप पर मैं भेज दूंगा फ़िलहाल इस वीडियो में इतना ही आपको फिर से मैं अगले वीडियो लेकर आऊंगा आप लोगों के लिए वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें